फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को स्केल की हेल्प से एक पहले तो लाइन ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। देखिए 1 सेंटीमीटर का इसलिए हम लोग ड्रॉ करें ताकि थिन रहे थोड़ा सा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आप लोगों को इसके ऊपर से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से देखिए, मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ 2 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर। देखिए 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया है, वहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया मैंने। अब उसे आप लोगों को कुछ इस तरह के कोनिकल स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देना है। ट्राइंगुलर हो रहा है ये बेसिकली, बस इसकी साइड हमने कर्व रखी है। इतना ड्रॉ करने के बाद गाइज, अब हम लोगों को यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। मैं एंड में सब कुछ लेबल कर दूंगा, ईच एंड एवरी पार्ट। यहाँ पर भी हमें सेम करना है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। नाउ गाइज, हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ऑपरक्यूलम। तो मैं जैसा ड्रॉ करता जा रहा हूँ, आप सिंपली मुझे फॉलो करते जाइए। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें अब हम एक और लेयर ड्रॉ करेंगे। मैंने और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां पर प्रेस करके चेकआउट कर सकते हैं। अब आप लोगों को नीचे यहाँ पर इसके बेस पर 1.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को इससे कनेक्ट करना है कर्व लाइन के साथ यहाँ से, और दूसरे साइड भी सेम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करना है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कर्व रहना चाहिए, ये कहीं से भी दबे ना, और यहाँ पर स्पेस लीव कर दीजिए। एंड में मैं आपको बताऊंगा क्यों हमने स्पेस लीव किया है। अब यहाँ पर भी आपको सेम करना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया ना गाइस। यहाँ पर जो हमने स्पेस लीव किया था वो हमने कुछ इस तरह के स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर के लिए लीव किया था स्पेस। तो आप ड्रॉ कर लीजिए और ऐसे कनेक्ट कर दीजिए जैसा मैंने किया है। मैंने और भी कई क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए डायग्राम बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप ढेर सारे डायग्राम्स देख सकते हैं। गाइज, अगर आप लोगों को किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने ऑलमोस्ट इस डायग्राम को ड्रॉ कर कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़े से स्टेप्स और बाकी है, जो कि यहाँ पर आपको स्पाइंस ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। सेम आपको लेफ्ट हैंड साइड भी करने हैं। देन गाइस, हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना है कुछ इस तरह के डॉट्स। तो कुछ इस तरह से हमने इस डायग्राम को ड्रॉ करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे 5 to 2 to 3 seconds के लिए प्ले कर देता हूँ, ताकि अगर आपको इनकम्प्लीट रह गया तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। देन गाइज, हम लोग फर्दर लेबलिंग करेंगे। देन आफ्टर गाइज, ये हमारा लेबल डायग्राम हो चुका कम्प्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने साथ साथ बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।